आज हम बनाएंगे टमाटर की मीठी चटनी। ये हम बंगाली स्टाइल में बनाएंगे जैसे हमारे घर में बनाया जाता है। तो जल्दी से देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं आधा किलो टमाटर, जिनको मैं रफली चॉप कर लूँगी। और दूसरी साइड में कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। मैंने यहाँ एक चम्मच सरसों का तेल लिया है और उसमें डाल देंगे राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स और साथ ही में डालेंगे कलौंजी यानी कि काला जीरा। हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब डाल देंगे दो सूखी लाल मिर्चें, इसको भी साथ में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और अब जो टमाटर चॉप करके रखे हुए थे उनको डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे। एक दो मिनट फ्राई करने के बाद यहाँ डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और डालेंगे साथ में थोड़ी सी हल्दी। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको कवर करके हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब एक स्पैचुला से हम इसको हल्का हल्का मैश कर लेंगे। अगर आपके टमाटर ज्यादा जूसी ना हो तो आप थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसको 3-4 मिनट ढक के पकाएंगे। अब डालेंगे इसमें 1/4 कप चीनी। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद नहीं है तो आप चीनी कम भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे इन सबको। और साथ में डाल देंगे थोड़े से काजू। अच्छा सा बॉईल आने देंगे। इसको कवर करके फिर से पकाएंगे। अब ये थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी किशमिश। अब ये बिल्कुल बनके रेडी है। हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको आप सर्व कर लेंगे। आप घर में जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।